नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बारवालाओं के साथ पार्षदों का वीडियो वायरल होते ही शहर की राजनीति हुई तेज। NSUI ने नगर आयुक्त का फूका पुतला, कर्मचारियों से हुई नोकझोंक। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे भागलपुर, बूथ स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर बोला हमला। गंगा के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों गांव हुआ जलमग्न, विश्वविद्यालय परिसर में फैला बाढ़ का पानी। NSS स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य और महत्व पर हुई चर्चा। और रांची एक्सप्रेस को भागलपुर से हटाए जाने के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर नगर निगम के पार्षदों का नेपाल में बार डांसर के साथ डांस का वीडियो वायरल होते ही शहर की राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को NSUI के कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय के समीप पार्षदों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI के कार्यकर्ता और निगम कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हो गई। इससे पूर्व NSUI के कार्यकर्ता ने पार्षद पर कार्रवाई की मांग को लेकर नगर आयुक्त का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल 25 सितंबर को मेयर सीमा शाह और उप मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन इससे पूर्व ही शहर के 2 दर्जन पार्षद नेपाल में बार डांसर के साथ डांस करते दिखे। वहीं मंगलवार को निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। अनामिका शर्मा ने कहा कि निगम के पार्षद अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, जबकि NSUI के बम प्रीत ने पार्षदों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात कही। नगर निगम में तो ये पैसे का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले क्योंकि मेयर का बयान आया था, उन्होंने साफ पार्षद जो है वो पैसे पर और आज किस परिस्थिति में पार्षद को नेपाल भेजा गया, वहाँ से उनका अश्लील वीडियो वायरल होता है और उसके बाद आधे पार्षद को वहाँ भेज के और जो ये अविश्वास प्रस्ताव की जो उन्होंने घोषणा की है उसको हम कभी नहीं होने देंगे। यदि ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव का पारित होता है तो यह लोकतंत्र की हत्या है। क्या परिस्थिति बनी है? कल नगर आयुक्त ने सबसे सारे पार्षदों को बंद लिफाफे में नोटिस भिजवाया, आपातकालीन बैठक होगी और 1 घंटे में एक IAS पदाधिकारी को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि अपना निर्णय अपने ही वापस लेना पड़ा। तानाशाह नगर आयुक्त का हुआ क्योंकि कल ये अपने ही आदेश निकाले थे, सभी पार्षद अविलंब कर देंगे। अरे आईडी तो नीचे करा मामा है, उनके मीटिंग के लिए कौन परिस्थिति आ गई, किस आला कमान की फोन आ गया या कितने पैसे लिए नगर आयुक्त, क्योंकि फिर अपने ही आदेश को 3 घंटे के अंदर उसको नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के रिक्साडी में मंगलवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शाह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना बढ़ गई है और इस पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से विफल है। मांझी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बेघर होना पड़ता है। कई बार शिकायत एवं सुझाव भी दिया गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई
ध्यान नहीं दिया। वहीं मांझी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में सीएम पद के कई चेहरे हैं और जल्द ही महागठबंधन बैठक कर सीएम पद के नाम का खुलासा कर देगी। सम्मेलन को राष्ट्रीय एवं प्रदेश से आए नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक रजक ने की। सब राज्य में कुछ न कुछ होता है, क्या नीतीश कुमार ये बतलावेंगे? आप लोग बतलाइएगी कि जिस प्रकार से नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, सामूहिक रेप होता है, उसका वीडियोग्राफी होती है और सोशल मीडिया में वायरल होता है, आज तक ऐसा सुने थे आप? इन्हीं के राज में हो रहा है तो आर्थिक बहु व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में क्यों नहीं कहेंगे? मौका नहीं। दूसरा चीज, गरीब लोग खटा कपड़ा पहन के नहीं निकल सकता है, माथा में केस तेल नहीं है तो उसका बाल इधर उधर नहीं हो सकता है। वो आदमी को ये कह सकते कि बच्चा क्यों है, मार पकड़ो मारो। गरीब तबके के लोगों को आज मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर। ये दो प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर 40 साल के राजनीति में पहला बार यहाँ आया, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। गंगा नदी के जलस्तर में मंगलवार को भी वृद्धि जारी रहा। जिले के 16 में से 14 प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गंगा नदी और कोसी नौगछिया और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। सीनेट हॉल और प्रशासनिक भवन के सामने जलमग्न जैसी स्थिति है। लालबाग परिसर भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है। कुलपति प्रति कुलपति DSW आवास समेत कई पदाधिकारियों के आवास बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। वहीं बाढ़ के पानी को देखते हुए PG महिला छात्रावास को खाली करा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक भवन आने जाने वाले लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारी और जरूरी काम से यूनिवर्सिटी आने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क नाव की व्यवस्था की है। बाढ़ का पानी मंगलवार को प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार तक पहुंच गया, जिसके कारण यूनिवर्सिटी आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं दियारा क्षेत्र के लोग विश्वविद्यालय के टिल्हा कोठी पर तिरपाल और पॉलिथीन डालकर शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से गंगा ने रौद्र रूप अपना लिया है। इधर बाढ़ के कारण ग्रामीणों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और बाढ़ पीड़ित भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी बाढ़ शिविर में समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। कोई चीज की अभी तक व्यवस्था नहीं है। एक तो यही चीज है कि खाली एक तो बिजली दे दिया, बाकी अभी तक कोई चीज सुनवा नहीं, कोई चीजें न भी मिल रहा है। एक तो खाली पानी आता है, एक ट्रेन, उसका बाद में तकर बाद बंद हो जाता है। बच्चा सब छोटा सब पानी लिए भूख रहा है। वहीं नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड के सभी पंचायत में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, जबकि सैदपुर पंचायत के बांध में रिसाव जारी है। बाढ़ के कारण नौगछिया अनुमंडल के सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। गोपालपुर, रंगरा, जगतपुर, पर्वत्ता, खगरा समेत कई पंचायत बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। इधर कलवलिया धार के समीप 14 नंबर सड़क से रिसाव जारी है। वहीं नाथनगर के विभिन्न इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी घुसते ही ग्रामीण सहम गए, लोग अपना घर छोड़कर NH-80 पर आ गए हैं। विद्यालय से लेकर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिलने को लेकर मंगलवार को सबौर NH-80 को बाढ़ पीड़ितों ने जाम कर दिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि अब तक सूद लेने नहीं आया है। 5 दिनों से सड़क पर भूखे प्यासे जीने को विवश है। पीड़ितों ने कहा कि बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है। सरकार की ओर से राहत सामग्री की अब तक व्यवस्था नहीं की गई है। सर, हम लोग गरीब आदमी सर रहे, मजदूर आदमी कमाते खाते सर हैं। 5 दिन से सर घर में पानी है, खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं। जो अनाज पानी था सर डूब गया, भस गया, चूल्हा तक में जो ना पानी हो गया, कोई व्यवस्था। 4 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, माल जाल सब कुछ चला, कुछ नहीं है सर। बिल्कुल जो रोड पे आकर के हम लोग जो है वर्षा अपने कारण बरसों तक नहीं, जो पानी तक नहीं है सर, हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे सर। राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर विश्वविद्यालय के RS कॉलेज तारापुर में गोष्ठी सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर अजीत कुमार ठाकुर ने की। वहीं शिक्षकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। मंच संचालन करते हुए डॉक्टर साहिद रजा जमाल ने कहा कि NSS की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ NSS सॉन्ग से किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर पॉलिथिन मुक्त भारत और स्वच्छ समाज बनाने की बात कही। मौके पर बेहतर कार्य करने वाले स्वयंसेवक और सेविकाओं को पुरस्कृत भी किया गया।
अवसर पर डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर यू एस दास, डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं TNB कॉलेज में भी नेशनल सर्विस स्कीम के बैनर तले NSS डे मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। वहीं प्रोफेसर राजीव सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और डॉक्टर सुमन कुमार समेत कई शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को NSS के इतिहास की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जमकर प्रशंसा की। डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि छात्र अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कार्य नहीं करते हैं बल्कि राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। वहीं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि स्वयंसेवक सेवा भाव से काम करते हैं। मौके पर डॉक्टर मिथिलेश समेत काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ी कॉलेज के भौतिकी विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NSS के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो ने किया। डॉक्टर महतो ने कहा कि NSS का मोटो जन जागरूकता अभियान चलाना है। मौके पर मृत्युंजय कुमार, सूरज कुमार, रजनी प्रभा, मुस्कान समेत कई स्वयंसेवक और सेविकाओं ने अपने विचार रखे। भागलपुर रांची एक्सप्रेस को सिल्क सिटी से नहीं ले जाने का मामला जोर पकड़ने लगा है। इसको लेकर कई संगठनों ने विरोध प्रकट किया है। वहीं युवा एकता सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि भागलपुर से रांची तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को भागलपुर से हटाकर मुंगेर और सहरसा होकर चलाए जाने की घोषणा उचित नहीं है। वहीं अभियंता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद मोदी ने कहा कि भागलपुर के साथ रेलवे सौतेला व्यवहार करती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में व्यवसायिक वर्ग, फुटकर व्यापारी समेत कई वर्ग के लोग मौजूद थे। वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रांची एक्सप्रेस को भागलपुर से हटाए जाने के विरोध में मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की ओर से एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता सलीम सुगंध ने की। इस दौरान सलीम सुगंध ने कहा कि मालदा रेल मंडल में भागलपुर सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है, इसके बावजूद यहां से ट्रेनों को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रांची एक्सप्रेस को यहां से हटाया जाता है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। एक्सप्रेस को भागलपुर से हटा करके सहरसा से खोलने का रेल मंत्रालय के तरफ से, रेलवे विभाग के तरफ से ये घोषणा हुई है, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। भागलपुर स्टेशन में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मीडिया में काफ़ी चर्चा है। इसके विरोध में हम लोग धरना माउंट धरना पर बैठे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क TV। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर SSP आशीष भारती के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधियों और शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 128 लीटर देसी शराब, 30 लीटर विदेशी शराब, एक स्कॉर्पियो और 3 कारतूस बरामद किया है। वहीं सघन वाहन तलाशी अभियान के दौरान 496 वाहनों के कागजात और हेलमेट की जाँच की गई, जिससे ₹31,000 जुर्माना वसूला गया है। दुर्गा पूजा को लेकर जिले भर में मंदिरों और पूजा पंडालों में तैयारी जोरों पर है। सत्कार क्लब की
की ओर से कचहरी चौक पर पूजा पंडाल बनाना शुरू हो गया है, जबकि तिलका मांझी, आदमपुर, भिकनपुर समेत कई स्थानों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से बैठक का दौर जारी है। तिलका मांझी दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष सा वार्ड संख्या 32 के पार्षद हंसल सिंह ने दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। पूजा को शांति ढंग से मनावे, आपसी भाईचारे के साथ मनावे, जो संदेश हमेशा अच्छा जाए शहर के ओर, और लोगों को ये जागरूकता भी फैलाना इस पूजा में कि गंदगी नहीं फैलावे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो। इसके लिए भी मैं विशेष इस बार रूप से मैं इसका आयोजन करने जा रहा हूँ, हर जगह होर्डिंग लगाऊंगा गंदगी को लेकर, प्लास्टिक को लेकर। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तारर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह कोसी स्नातक स्तरीय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि महागठबंधन और वित्त रहित मोर्चा की ओर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया और जल्द ही उन्हें पार्टी का सिंबल मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 जिलों में पार्टी और मोर्चा के अध्यक्ष एवं सचिव को मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने जल्द ही क्षेत्र का दौरा शुरू करने की बात कही। सनहौला प्रखंड के कलाधर मध्य विद्यालय अरार में अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा शुरू हो गई। स्कूल के सभी छात्र काफी उत्साह के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल हुए। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा को निखारा जाता है, साथ ही बच्चों का मनोबल भी ऊंचा होता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की कड़ी निगरानी में परीक्षा ली गई है। 9/2019 से अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय में चल रहा है। प्रथम पाली में 1 से 5 तक के बच्चे, 225 में से 224 बच्चे ने परीक्षा दी है और 345 बच्चे में से 344 बच्चे 6-8 के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बारवलाओं के साथ पार्षदों का वीडियो वायरल होते ही शहर की राजनीति हुई तेज। NSUI ने नगर आयुक्त का फूका पुतला, कर्मचारियों से हुई नोकझोंक। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे भागलपुर, बूथ स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर बोला हमला। गंगा के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों गांव हुआ जलमग्न, विश्वविद्यालय परिसर में फैला बाढ़ का पानी। NSS स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य और महत्व पर हुई चर्चा। और रांची एक्सप्रेस को भागलपुर से हटाए जाने के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने जताया विरोध। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।